मिला के दिखाता हूँ। सैफ्रॉन वगैरह हर एक चीज डाली है इसके अंदर, हर एक चीज। ये देख मटन के पीस देख रहा है, और एकदम मैं कह रहा हूँ पका हुआ मटन है, प्लस मैंने कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर। ये देख हड्डी तक छोड़ने को तैयार है, मैंने इसमें कोई पानी का पीस। चलिए जी, तैयारी शुरू हो चुकी है हमारी मटन बिरयानी बनाने की। जी हाँ, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से बनेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अब मेरे को कोई प्याज व्याज काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है भाई किंग्स का स्मार्ट बरिस्ता। जी हाँ भाई, मजेदार चीज है। रोना धोना बंद, प्याज तलना खत्म, सब कुछ चीजें खत्म, शॉर्टकट है और वही टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले हम अपना मटन मैरिनेट करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। तो बने रहो, पूरे इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे के सारे रख लिए, अब हम करते हैं इसको मैरिनेट। पहले अब ये 1 किलो मटन जाएगा पूरा डेक के अंदर। अच्छा, इसका मैरिनेशन कौन सा होता है ना, ये इसके अंदर ही होता है। और ये देख रहे हो पिंक कलर का है ये हमारा जो मटन है, इसका मतलब है कि जो मटन है वो काफी सॉफ्ट है और एकदम फ्रेश है। तो ये 1 किलो हमने गोश्त लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे मैरिनेशन के मसाले सारे। तो सबसे पहले हमारा जाएगा इसके अंदर दही, और ये 400 ग्राम दही है हमारा, 400 ग्राम दही। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम अपने मसाले। तो ये सबसे पहले मैंने डाला है भाई कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका स्पाइसी थोड़ा कम होता है, ठीक है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर भाई ये जीरा पाउडर थोड़ा सा, हमारा बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाले के अंदर ना खड़े मसाले कूट रखे हैं बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। आप देखोगे ना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। ये रहा हमारा जी गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। नमक स्वाद अनुसार डालना, अभी कम डालना, मतलब ऐसे डालते तो इसी टाइम पे है, तो आप अंदाजा डाल देना नमक। ये डाल दीजिए नमक और लाल मिर्ची, जो चीज स्पाइसी होती है जो हम घर पे यूज करते हैं, जैसा आपको स्पाइसेस पसंद है वैसे, ठीक है। अब हम डालेंगे जी इसके अंदर धनिया, बढ़िया सा हैंडफुल ऑफ धनिया। और डालने वाले हैं जी इसके अंदर हम पुदीना, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है पुदीना। और अब बारी आई है भाई किंग्स के स्मार्ट बरिस्ता की, और ये इसके अंदर मैरिनेशन में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये कैरामलाइज जो अनियन है जब ये टेस्ट छोड़ेगी ना इसके अंदर, मतलब बस मजा आने वाला है। तो पहले अब इसको डालते हैं उसमें। तो ये बढ़िया सा मैंने डाल दिया है, अब इसको करेंगे भाई मिक्स। और मिक्सिंग जो है वो हम अपना वुडन स्पून से करेंगे बढ़िया से। एकदम मजेदार चीज है भाई, मतलब मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चिकन कोरमा होता है, मटन कोरमा होता है, इन सब चीजों के लिए ना कैरामलाइज अनियन चाहिए होता है, बरिस्ता चाहिए होता है। तो वो सबसे ज्यादा टाइम मेरे को उसी में लगता था, कि उसमें क्या होता था कि पहले प्याज तलो, प्याज को निकाल के काटो, ये पहले काटो, उसमें थोड़ा रोलो, रोने के बाद थोड़ा सा उसको मतलब कि तलो, उसमें तेल बर्बाद जाता था। अब वो तेल तलने के बाद साला वो वेस्ट हो जाता था, उसको रखो फिर दोबारा से यूज करो, तेल को भी बार बार यूज करोगे ना तो मतलब कि मजा नहीं आता। अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर जी आधी कटोरी ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये कुकिंग ऑयल डल गया, आप देसी घी भी यूज कर सकते हो। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा से। अगर आपको लग रहा है कि कश्मीरी लाल मिर्च और डाल सकते हो तो आप डाल सकते हो, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, मजेदार। ये फर्स्ट मैरिनेशन है गाइस, और आपको इस मैरिनेशन को कम से कम 3 घंटे रखना है। अब मैं तो रेसिपी बना रहा हूं, मैं 3 घंटे नहीं वेट करूंगा, मैं फिर भी 1 घंटे के लिए रेस्ट दे रहा हूं उसको, बेस्ट रिजल्ट के लिए ओवर अ नाइट रखो और अगले दिन तैयारी शुरू करो। तो ये समझ लो हमारी 50% बिरयानी पक चुकी है, और इतनी सिंपल है कि कोई भी बना सकता है इसको। तो अब 1 घंटे बाद मैं आपको मिलता हूँ, इसको देता हूँ रेस्ट और फिर मिलता हूँ फटाफट। तो ये देखो गाइस, मटन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो रहा है, और अब हम लगेगा पहले चावलों को तड़का। जी हाँ, राइस बॉईल करने हैं, पर उसका भी तरीका होता है। ये आधा चम्मच हमने इसके अंदर, 1 चम्मच हमने डाला देसी घी, और जैसे ही देसी घी हमारा बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो हम डाल देंगे भाई इसके अंदर लौंग, और ये फ्लेवर जो तगड़ा देगा ना भाई, सुपर गुड देगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये खड़े मसाले हैं कुछ बढ़िया, जिसकी हमने पोटली बना रखी है बढ़िया सी, और ये पोटली मैं एक बार पहले यूज कर चुका हूँ कल रात को, तो मैंने ये वही वाली ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी भी फ्लेवर्स हैं। तो ये पोटली जाएगी पानी के अंदर, पर अभी नहीं, अभी ये जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे पानी, पानी डाल दो बढ़िया से। और राइस जो है हमने इसके राइस 2 घंटे से भिगो रखे हैं,
अब ये एक बार बॉईल आएगा, ये गई पोटली इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक बार बॉईल आते, बॉईल आते ही इसके अंदर हम अपने सोक्ड राइस डाल देंगे। तो ये देखिए भाई साहब, बढ़िया सा बॉईल आ चुका है और इसके अंदर अब हम डालेंगे जी स्वाद अनुसार नमक। तो ये देखो भाई, ये रहा नमक, दैट्स इट। ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाल रखा, तो अभी सारा का सारा राइस डलेगा इसके अंदर जो हमने दो घंटे से भिगो रखा, दो घंटे से। अब हमने करना क्या है, टेक्निक ये है कि तो ये राइस पूरे के पूरे मैंने सब डाल दिए हैं और इसके अंदर नमक भी डाल दिया। अब हम वेट करते हैं कि ये बढ़िया से बॉईल आ जाए इसके अंदर, और जब बॉईल आएगा ना तब भाई इसको 50% जब बॉईल कुक हो जाएगा तब उठा के इसको हम डालेंगे मैरिनेशन के ऊपर सीधा लेयर, एंड उसके बाद जब 25% और कुक हो जाएगा वाला 75% तब पूरी की पूरी लेयरिंग कर देंगे। ये देखिए भाई साहब, रंगत देखो कितनी बढ़िया रंगत आई है, ये मटन मैरिनेट की जो हमने की है। तो ये देख रहे भाई, ये हमारे जो राइस है ये 50% कुक हो चुका अभी, तो मैं ये 50% जो है उसको निकाल लेता हूं बढ़िया से, और इसकी बिछेगी लेयरिंग। तो ये सब दम में पकेगा, ये सब दम में पकेगा, और कम से कम 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट्स। ये लो जी, ये दैट्स इट। अभी ये 50% जो राइस कुक हुआ था ना, ये मैंने बिछा दिया बढ़िया से, इसको फैला लेता हूं मैं अच्छे से। देख मैंने भी कुछ नहीं डाला इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये डाला, और कोई पानी की एक बूंद नहीं डाल रहा, कुछ नहीं डाल रहा। अब इसको जो है 75% को कौन दो, मतलब कि 25% और को कौन दो, उसके बाद वो 25% वाली लेयर लगेगी इसके ऊपर दोबारा से। अब भैया बाकी के चावल जो कि 25% और कुक हो चुके हैं, क्योंकि तो पूरा पका लोगे ना अगर और लेयरिंग करोगे तो हलवाई बनेगा फिर, और कुछ नहीं बनेगा, ये याद रखना। अब ये बाकी लगा दो उसके ऊपर, सारे के सारे राइस हम इसके ऊपर लगा देंगे बढ़िया से, और कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ये हैदराबादी स्टाइल हम बना रहे हैं दम बिरयानी। तो भैया जी अब बारी आ गई है बिरयानी को सजाने की, जी हाँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, क्योंकि अगर बिरयानी की बात हो रही है ना तो भैया इज्जत देनी चाहिए उसको, समझे। और मन्नी की फेवरेट मटन बिरयानी बन रही है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा काजू मेबी आज से फेवरेट हो जाए, आज से फेवरेट होगी भाई, क्यों नहीं होगी। और ये राजी हमारा स्मार्ट बरिस्ता, जी हाँ, किंग्स का, जिसकी वजह से मैं बिरयानी बना सका बड़ी ही आसानी से और बहुत जल्दी। तो ये हम ऊपर डालेंगे इसकी एक लेयर बढ़िया सी, और कंजूसी ना करें क्योंकि तलने की टेंशन दूर हो गई है, प्याज काटने की भी टेंशन दूर हो गई है, अब रोना नहीं पड़ेगा प्याज काटते वक्त, और ना ही वो ऑयल की चिंता करने की जरूरत। सबसे बड़ी बात है कि प्याज सस्ता हो, इसका रेट सही रहता है, ये बेस्ट चीज है इस कंपनी की, ये बेस्ट चीज है कि अगर प्याज 100 रुपए किलो भी हुआ ना, आपका जो ये प्राइस जो भी मिल रहा है ये उतने रुपए का ही मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट चीज है ये। आप डालेंगे जी इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया बढ़िया सा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बिरयानी बना रहे हो कंजूसी ना करें, तो इसलिए बढ़िया से डालें। ये सारा का सारा धनिया डाल दिया है, अब ये डलेगा जी हमारा पुदीना, जो कि बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है भाई बिरयानी के अंदर, मजेदार एकदम, हमने मैरिनेशन में भी डाला था और इसमें भी डाला, ताकि कोई टेंशन वाली बात ना हो, हमारे को चाहिए टेस्ट क्वालिटी। ये ऐसी बिरयानी है भाई, आप कहीं पर भी हो ना इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो आप बना सकते हो आराम से, ये है जी हमारा देसी घी बढ़िया सा, परफेक्ट, अच्छे से निकाल ले, कोई कंजूसी ना करे। और बारी आ गई है भाई हमारी सैफ्रॉन की, तो बढ़िया सा सैफ्रॉन डाले, दैट्स इट, सुपर गुड, इतना बढ़िया फ्लेवर्स आने वाले हैं ना कि मजा आ जाएगा आपको आज। अब हम क्या करेंगे जी, डेक को करेंगे चालू और इसको करेंगे एकदम सिम पे, उससे पहले हम लगाएंगे इसको ढक्कन, मतलब कि पर्दा लगाएंगे इसका, और कैसे लगाएंगे वो देखो, कई लोग क्या करते हैं आटा लगाते हैं, वेस्टेज हो जाती है, पर हम आटा नहीं लगाएंगे, हम इसको फॉइल पेपर से डंप करेंगे, और उसका तरीका देखो कितना बढ़िया तरीका, चलिए। तो ये देखो भाई साहब, अब लगेगा फॉइल पेपर पे दम, अब आप देखो कि कैसे लगाते हैं, पहले इसकी साइड्स को हम करेंगे गीला, क्योंकि फॉइल पेपर ना चिपकाना है और ये भाप बनाएगा जैसे ही इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब ये फॉइल पेपर को भी आपने गीला करना है, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जल्दी से भाप बने और ये इस पर एकदम चिपक जाए और बिल्कुल भी ना खुले। आप देखोगे ना कितने बढ़िया तरीके से हम इसको टाइट एक पूरा वो दे देंगे पर्दा, कि जिससे कि ये खुलेगा नहीं बिल्कुल भी, ये देखो, फॉइल
फुल टाइट होगा, जब ये भाप बनेगा ना मन्नी, तो एक पफ बन जाएगा ये पूरा अंदर का और बाहर नहीं निकलेगा वो। ये देखिए पहला लगाया, गीला करा, वही प्रोसेस, गीला करना अच्छे से बढ़िया से, और ये दूसरा लगेगा। ये मेन काम है भाई बिरयानी का, क्योंकि पहली बात तो ये बन रही है जी मटन बिरयानी, मटन दम बिरयानी बन रही है लखनऊ स्टाइल, सॉरी हैदराबादी स्टाइल, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से दम लगना चाहिए, मजेदार तरीके से। ये ऊपर भी डाला क्योंकि इसके ऊपर भी दोबारा आएगा तो चिपक जाए बहुत बढ़िया तरीके से। टोटल चार लगाएंगे हम, चार लीव लगाएंगे इसकी बढ़िया सी। ये मेन काम है, इसके बाद 45 मिनट्स के बाद आपको ऐसी बिरयानी मिलेगी जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती होगी, या आपको हैदराबाद तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हैदराबाद में ऑथेंटिक मिलती है, बट आपको ये जरूर बोलूंगा कि दिल्ली में जितने भी रेस्टोरेंट में बनती है ना भाई, टक्कर देने वाली है ये बिरयानी उसको, टक्कर। तो ये देखो भाई साहब 45 मिनट्स के दम के बाद अब बारी आ रही है जी इसको खोलने की, और अब इसका हम पर्दा उतारेंगे बढ़िया से। भाई साहब सुपर गरम मजेदार, ओहो देख रहा खुशबू देखिए, ओहो भाई साहब सुपर बढ़िया हैदराबादी मटन दम बिरयानी जो आपके सामने बनाई है भाई, इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है भाई। ये देख अब मैं आपको हिला के दिखाता हूँ, सैफ्रॉन वगैरह हर एक चीज डाली है इसमें, हर एक चीज। ये देख मटन के पीस देख रहा है, और एकदम मैं कह रहा हूँ पका हुआ मटन है, प्लस मैंने कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर। ये देख हड्डी तक छोड़ने को तैयार है, मैंने इसमें कोई पानी का पीस नहीं डाला, पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और तेरे सामने एकदम फ्लेवरफुल बनी है मजेदार। अब इसको मिक्स करते हैं बढ़िया तरीके से और टेस्ट करेंगे आज, और आज मन्नी भी टेस्ट करने वाला है जैसे मैंने बताया। बढ़िया से इसको मैं मिक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई कि टेस्ट कैसा है एक्चुअली में इसका, जो हमने बिरयानी बनाई है। वाकई में कह रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ कि अगर आपको बिरयानी बनानी है या मटन कोरमा या चिकन कोरमा कुछ भी बनाना है, किंग्स का ये स्मार्ट बरिस्ता लो और इंजॉय करो, आपकी लाइफ बहुत इजी बन जाएगी, सीरियसली कह रहा हूँ इसको लेके।